सम्मानित बंधुगण, जीवन में आज व्यक्ति कंफ्यूज्ड है, अध्यात्म को अपनाना चाहता है, अनेक गुरुओं के पास जाता है, अनेक शास्त्रों को पढ़ता है, पर वह निर्णय नहीं कर पाता किस रास्ते में जाऊं। तो क्या करता है, एक के पास जाता है, कुछ दिन बाद दूसरे के पास जाता है। ऐसे बहुत से लोगों के मैं सुनने में आता है मुझे कि वो कहते जी मैं फलाने के पास गया, फलाने गुरु के पास गया, फलाने मैं 10 गुरुओं के पास चला गया, 15 के पास चला गया, 12 के पास चला गया, पर अभी तक मुझे संतुष्टि नहीं हुई। तो अब क्या करूँ, किस रास्ते को अपनाऊँ और किस गुरु की बात सच मानूँ, ये समस्या आज हर व्यक्ति के जीवन में है। और उससे ऊपर भी ये हो रखा है कि हमें जनरली आजकल गुरुओं ने ये समझा रखा है, अनेक रास्ते हैं, तो आपको जो रास्ता पसंद हो उस रास्ते पे चल पड़ो और पहुंचना एक ही जगह है। ये जनरल कंसेप्शन हो गया है और आदमी इस बात पे विश्वास भी करने लग गया कि अनेक रास्ते हैं, जिस रास्ते से भी जाए तो हम पहुँच जाएंगे। सज्जनों, वास्तविकता में ये बिल्कुल गलत बात है, 100% रॉन्ग है। जो अनुभव हुआ वो तो ये सिद्ध कर रहा है कि केवल एक रास्ता है, दो भी नहीं है। ईश्वर प्राप्ति का, आध्यात्मिक प्रगति का, मन को जीतने का, मुक्ति का एक ही रास्ता है, दो भी नहीं है। और तभी शास्त्रों में कहा गया नान्य पंथा विद्यते अनाया है, अन्य रास्ते नहीं है, केवल एक रास्ता है। वैसे भी आप देखोगे, आप कहीं जाना है पहाड़ों के रास्ते में, कितना घुमा करके गाड़ियां जाती है। लद्दाख की तरफ जाएं तो 12 घंटे 18 घंटे तक गाड़ियां चलती है पहुंचाने में, पर अगर फ्लाइट से जाएंगे तो आप सीधे चले जाएंगे, उसमें आपको घूमना नहीं पड़ेगा। तो जो घुमावदार रास्ते हैं वो तो इतने लंबे हैं कि उसमें एक्सीडेंट हो सकता है, टाइम ज़्यादा लग सकती है, जीवन खत्म समाप्त हो सकता है। उन रास्तों को रास्ता नहीं माना गया, रास्ता उसको कहा माना गया जो स्ट्रेट है, सीधा ले जाएगा। कहीं उसमें वो होता है ना, जिसको हाईवे कहते हैं, आजकल सरकारें हाईवे बनाती है। जब हम स्विट्जरलैंड गए थे तो पहाड़ पे जाना था, कहीं मतलब पता ही नहीं लगा पहाड़ पे पहुंच रहे, सीधा रास्ता था और देखते देखते पहाड़ 12,000 के हाइट पे पहुंच गए। तो उसको कहते हैं स्ट्रेट पाथ। ऐसे अध्यात्म में एक स्ट्रेट पाथ है और वही एक्चुअल रास्ता है जिस पे आपने हमने सबने चलना है। बाकी के चक्कर में पड़ गए तो ये जन्म में कुछ नहीं होने का, गड़बड़ा गए। इसलिए कहा, तभी कहा गया कि एनलाइटेंड तत्वदर्शी महापुरुष की खोज करो, वह आपको स्ट्रेट रास्ता बताएगा, और जो पूर्ण गुरु नहीं है वह घुमावने रास्ते में जाएगा। तभी एक संत ने कहा, बहता था बहे जात था लोक वेद के साथ, मार्ग में सदगुरु मिले दीपक दीना हाथ में वस्तु दही लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए, क्योंकि स्ट्रेट पाथ मिल गया। तो सज्जनों, अध्यात्म एक स्ट्रेट पाथ है, और अगर आप ध्यान से आध्यात्मिक चर्चा को सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे वह स्ट्रेट पाथ समझ में आ जाएगा। और उससे फायदा एक और भी होगा कि तत्वदर्शी महापुरुष कौन है पहचानना भी सरल हो जाएगा, क्योंकि जब हम उसके पास जाएंगे, अगर वह सीधे रास्ते की बात कर रहा है तो सही है, नहीं कर रहा तो इसका मतलब पूर्ण गुरु नहीं है। तो वह स्ट्रेट पाथ क्या है, वह रास्ता क्या है जिस पे हमको चलना है? सज्जनों, उस सिंपल उसका एक आंसर है। बहुत से शास्त्र कहते हैं, और धीरे धीरे साइंस भी इस बात पे आएगी, साइंस की प्रगति धीरे धीरे होती है, साइंस धीरे धीरे एक्सेप्ट करती है चीज़ों को। पहले साइंस इनर्जी का अस्तित्व को नहीं मानती थी, धीरे धीरे मानने लग गई। पहले साइंस कहती थी भाई
पदार्थ एटम ही सबसे छोटा पदार्थ है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। बाद में साइंस को पता लगा कि एटम के भी टुकड़े होते हैं, एनर्जी में परिवर्तित होता है। तो विज्ञान प्रगति कर रही है धीरे धीरे, बहुत सी बातें जो नहीं जानती है। डीएनए के बारे में पहले नहीं जानती थी, और जब तक डीएनए का पता नहीं था कौन किसका बच्चा है वह प्रूफ नहीं होता था, पर जब डीएनए का पता लग गया तो अब कोई धोखा नहीं दे सकता। और इसी चक्कर में कई गुरु परेशान हो गए, कह दिया कि मेरी संतान नहीं है, उनके नाम दुनिया भर की ट्रस्ट बन के लोगों ने प्रॉपर्टी कर दी। और जब पता लगा उसके बच्चे हैं और बच्चा क्लेम करने आ गया, तो डीएनए से प्रूव हो जाएगा। तो कह दिया हमारे गुरुजी समाधि में है, अभी मरे नहीं है, 2 साल से समाधि में बैठे, लाश का पता नहीं क्या कंडीशन हो रखी होगी, अब बेचारे कोर्ट भी क्या करे, जहाँ धर्म की बात आती कोर्ट भी चुप हो जाता है। पर प्रॉब्लम वही हुआ, डीएनए वाला प्रॉब्लम हो गया, और डीएनए से प्रूव कर देगा कि मैं उनका लड़का हूँ, वो सारी संपत्ति उसको मिलेगी जो लोगों ने उसके नाम से बना रखी थी संपत्ति। सोचा था आप बहुत सी जो भी रहा होगा रीजन, पर मेरे कहने का मतलब ऐसे विज्ञान धीरे धीरे प्रगति कर रही है। तो एक दिन विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करेगी कि बच्चा माँ के गर्भ में मेडिटेशन करता है, ध्यान करता है, साधना करता है, उसको गर्भ में एक ज्ञान प्राप्त होता है। आजकल तो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है, इतने कन्फ्यूजन पैदा हो गए हैं कि व्यक्ति क्या करे, किसकी बात माने। लोग कहते जी 3 मार्ग है, एक ज्ञान मार्ग है, एक ध्यान मार्ग है, और एक भक्ति मार्ग है, आप चाहे जिस मार्ग पे चल पड़ो। और सज्जनों वास्तव में ये बात नहीं है, तीनों एक है। कैसे हैं कि पहले आपको ज्ञान होना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, किस चीज़ का ध्यान करना है। जब आपको वो सही चीज़ मिल गई जिसका आपने ध्यान करना है, तो ज्ञान प्राप्त हो गया, आप ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर गए, आपने ध्यान करना शुरू कर दिया, आप अब ज्ञान के साथ साथ ध्यान मार्ग में प्रवेश कर गए। और ज्ञान मिलना, ज्ञान प्राप्त होना ज्ञान मार्ग हुआ, और ध्यान करना कर्म योग हुआ, आपने कर्म करना शुरू कर दिया, मन को उस पर लगाने लगे। ध्यान करना भी अपने आप में कर्म है। तो आपके जीवन में 2 चीज़ का समय में हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, ज्ञान का और कर्म का। जैसे मान लीजिए मुझे हलवा बनाना है, और मैं हलवा बनाना नहीं जानता, अगर मैं हलवा बनाऊंगा तो पता नहीं वो आटे का क्या कर दूंगा मैं। पर जो हलवा बनाना जानता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं, इतना अच्छा टेस्टी हलवा बना देते हैं। तो हलवे का ज्ञान भी, बनाने का ज्ञान भी होना पड़ेगा, तभी हम हलवा बना पाएंगे। पर मान लीजिए मुझे हलवे का ज्ञान है और मैंने हलवा बनाया ही नहीं, तब भी मैं हलवा नहीं खा सकता। और हलवा का ज्ञान नहीं, हलवा बनाऊंगा तब भी मैं सही हलवा नहीं खा सकता। तो हलवा सही हो मेरा, उसके लिए 2 चीज़ें होनी पड़ेगी, हलवा बनाने का ज्ञान भी होना पड़ेगा और हलवा बनाना भी पड़ेगा। तो गर्भ का जो ज्ञान प्राप्त होता है बच्चे को, वह जब हमें वह असली ज्ञान प्राप्त होता है तो ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जब हम ध्यान करने लगते तो वह हमारा कर्म हो गया। और जब दोनों का कम्बिनेशन होता है उसको कहते हैं भक्ति। जैसे एक पक्षी के 2 पर होते हैं, ऐसे भक्ति रूपी पक्षी के 2 पर है, ज्ञान और कर्म, अलग अलग कहाँ हुए बताइए। लोग मीरा का उदाहरण देके नाचने लग जाते, कहते जी यही भक्ति मार्ग है। सज्जनों ये तो सोचो मीरा कब नाची, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नाची रे, पग घुघरू बांध मीरा नाची रे। कब नाची, शुरू में नहीं नाची वह जब वह कथा आते कि रेदास चमार के पास एक ब्राह्मण जी आए, बोले मैं गंगा स्नान के लिए जा रहा हूँ, आप मुझे कुछ देना हो तो दे दो। तो उन्होंने कुछ छोटी सी भेंट दे दी, कहा ये गंगा जी को दे देना, और कहा कि गंगा जी हाथ निकाल के ले तो देना, नहीं तो मत देना। अब पंडित जी सोचने लगे क्या कह रहे हैं ये,
रिदास चमार, ये जो रिदासी है ये क्या कह रहे हैं। खैर गया गंगा स्नान करने के बाद उसको याद आई, उसने कहा जी भेंट रिदास जी ने भेजी है। तो हाथ निकल के आया, चकित हो गया वह, आरा हाथ में लिया और दूसरे एक हाथ और निकला, उस हाथ में कंगन था, बोले ये उनको दे देना। अब बहुत स्पेशल कंगन था, मतलब वैसा कंगन दुर्लभ क्वालिटी का, मतलब उसका डिजाइनिंग इतनी ज़बरदस्त, उसमें हीरे मोती लगे हुए। ब्राह्मण देवता ने सोचा वो रेदास जी का काम तो जूते सिलाने का, अब उनके काम क्या आएगा, उनको ले जाकर देने से क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा मैं राजा को दूंगा तो इनाम भी मिलेगा। और वो ले जाके राजा के पास जाता, कहते महाराज मेरे पास एक बहुत सुंदर कंगन है और मैं आपको ये भेंट देता हूँ। राजा ने कंगन देखा, मीराबाई रानी को कंगन दिखाया, देखा बहुत सुंदर कंगन है, उसको बहुत इनाम दिया, खुश होके विदा कर दिया। अब मीरा ने कंगन लगाया तो मीरा ने सोचा भाई एक हाथ में कंगन है एक में नहीं है, तो ये तो अधूरा बात हो गई, तो ब्राह्मण को जितना पैसा चाहिए और दिया जाए, दूसरा कंगन और उससे मंगाया जाए, जहाँ से लाए कंगन और ला दे। बुलाया गया ब्राह्मण देवता को, कहा भाई हमारी रानी साहिबा कह रही है एक कंगन और चाहिए। अब ब्राह्मण जी फंस गए, क्योंकि वो कंगन तो भौतिक तो था नहीं, वो तो स्पेशल कंगन था। अब उनको सही बात खोलनी पड़ी, बोले महाराज बात ये थी, ये रेदास चमार को गंगा की भेंट थी, मैं लालच बस आके यहाँ दे गया, अगर आपको दूसरा कंगन चाहिए तो रेदास चमार ही कुछ कर दे तो भले, मेरे बस का नहीं है। सच्ची बात उसने खोल दी। जब मीरा ने सोची कि एक ऐसा व्यक्ति है, अब देखिए ना, ऐसा व्यक्ति है जिसके भेंट को गंगा एक हाथ से ले रही है, दूसरे हाथ से कंगन दे रही है, तो चलो मैं उस व्यक्ति का दर्शन करती हूँ। अब देखिए कितनी बड़ी सोच थी, नहीं तो कोई सोचता अरे मेरी जाति बड़ी है वो ज्योति छोटी है मैं क्यों जाऊँ। पर अध्यात्म में जाति भी नहीं देखी जाती है, अध्यात्म में कुछ नहीं देखा जाता, एक ही चीज़ देखी जाती है कि मुझे वह सही ज्ञान प्राप्त होता कि नहीं होता है। मीरा जाती है रेदास जी के पास और कहती है महाराज मुझे गंगा जी ने जो कंगन दिया था मुझे एक मिल गया, ब्राह्मण देवता ने ऐसे सारी बात बताई, अब मुझे एक कंगन आप और कहीं से जुगाड़ कर दो तो आपकी बहुत बड़ी कृपा होगी। रेदास जी कहने लगे मन चंगा तो कठौती में गंगा, वो जो चमड़े भिजाने की जो उनकी पानी की कठौती थी उसमें हाथ डाला, दूसरा कंगन निकाल के दे दिया। अब मीरा चौंकी, कठौती में से वही कंगन निकाल के दे रहे हैं। तो मीरा कहने लगी महाराज आपने अभी बोला कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस मन को चंगा कैसे बनाया जाता है, मन को साफ कैसे किया जाता है, मन को कैसे सुधार सकते हैं, मन के अंदर जो नेगेटिव वायरसेस है उसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं। तब रेदास जी मीरा को सत्संग सुनाते हैं, ये आध्यात्मिक चर्चा सुनाते हैं। मीरा कितने बार आध्यात्मिक चर्चा को पहले सुनती है सज्जनों, उसके बाद रेदास जी को गुरु धारण करती है, रेदास जी उसको वह ज्ञान देते हैं जो सीधा रास्ता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं, जिसके लिए मीराबाई कहती है पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जक्का सभी गवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, कि गुरु महाराज जी की कृपा से मुझे नाम रूपी धन प्राप्त हो गया। तो वह जो ज्ञान है रेदास चमार जी से, रेदास गुरु जी से मिला उनको, उसके बाद मीरा ने जब उसकी साधना की, ज्ञान मिलना पहला हो गया, जब उसकी साधना, जब साधना की वह कर्म हो गया, ध्यान किया साधना की कर्म हो गया, जब दोनों का समन्वय भी हुआ मीरा के जीवन में, तब भक्ति प्रकट हुई। तब मीरा नाचती है, सत्संग सुनाती है, प्रचार करती है, मीरा का जीवन बदल गया। आज हम मीरा की नकल तो कर रहे हैं, पर ना ज्ञान मिला है ना ध्यान किया, और हम पहले नकल करने लग गए, सज्जनों प्राप्त कैसे होगा। नकल के लिए भी अक्कल चाहिए, पहले वो दो चीज प्राप्त करनी पड़ेगी, दो चीज में भी पहले तो वो कौन सा ज्ञान है जो मीरा को प्राप्त हुआ था रेदास जी से, वह ज्ञान क्या है जिसमें मन को चंगा बना दिया जाता है, उस ज्ञान को समझना पड़ेगा, उस रास्ते को समझना पड़ेगा,
यह आध्यात्मिक कार्य इसीलिए है कि हम धीरे धीरे उस रास्ते को समझ पाएं कि वो सही रास्ता कौन सा है। अब इसमें अनेक शास्त्र हैं, अनेक झमेले हैं, अनेक बहसें हैं, आपको कितना लंबा आप सुनते रहें सुनाते रहें सॉल्यूशन नहीं आएगा। आपको एक सिंपल सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सारे शास्त्र कहते हैं कि माँ के गर्भ में बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है, वह ध्यान साधना करता है। और उसके प्रूफ क्या है? वैसे तो बहुत से प्रूफ है, मैं एक दो प्रूफ केवल आपको दे रहा हूँ। बच्चा जब जन्मता है तो उसका राइट ब्रेन एक्टिव मिलता है, गर्भ से ही राइट ब्रेन एक्टिव हो कराया। दाहिने ब्रेन के न्यूरॉन्स गर्भ से ही एक्टिव कैसे हो गए जबकि बायां ब्रेन का लॉजिकल ब्रेन के न्यूरॉन्स एक्टिव नहीं हुए? इसका मतलब बच्चे ने कुछ किया है। और बच्चे की माइंड की जो वो होती है वेव्स, ब्रेन वेव्स, वह डेल्टा में होती है, तरंगे मस्तिष्क की तरंगे डेल्टा स्थिति में होती है, जो बिल्कुल शांत वेव है। और बच्चे के आप अगर देखेंगे तो बच्चे में आपको दिव्य गुण दिखाई देंगे। साधारण व्यक्ति से बच्चा अलग होता है, उसे काम करने का तरीका अलग है। कई बार तो बच्चा जो बोलता है वह राइट होता है। छोटा बच्चे, कई लोग तो छोटे बच्चे से पूछते हैं कि क्या करना है, वह जो कहता है वो करते रहो, सही होता है। ये सब उसमें, क्योंकि राइट ब्रेन जो है वह इंट्यूटिव ब्रेन है, उसके जो निर्णय होते हैं वो सही होते हैं, इसलिए उसको राइट कहा गया। लेफ्ट का मतलब बचा खुचा, लेफ्ट का मतलब बायां भी होता है पर बचा खुचा भी होता है, और राइट का मतलब दाहिना भी होता है और करेक्ट भी माना जाता है, दो अर्थ है उसके। तो बच्चे में वह सिम्टम्स, बच्चे में अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा बच्चे ने कुछ किया है, और वो बाहर आकर भी करता है, ऐसी बात नहीं है, ध्यान करता है वह, पर चूंकि उसको महत्व पता नहीं है तो धीरे धीरे उसका मन अंतर्मुख न रहकर बहिर्मुखी बन जाता है। और 10-12 वर्ष का होते होते, 12 वर्ष के बाद तो साइंस कहती है बीटा वेव्स आ जाती है, उसका ध्यान सुमिरन साधना सारी लुप्त हो जाती है। इसलिए हमारे, इसलिए सनातन धर्म में और धर्मों में भी उपनयन संस्कार, जनेऊ संस्कार की परंपरा थी, कितने लोगों में बैप्टिज्म की परंपरा थी, ये सब परंपराएं इसलिए थी कि बच्चा उसमें समझने की क्षमता आ गई, 10-12 वर्ष का हो गया, 15 वर्ष का हो गया, उसमें अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी आ गई है, उसको वह गर्भ का ज्ञान दोबारा सिखाया जाए। वह एक्सपीरियंस जो उसको गर्भ में हुई थी, जो प्रकाश देखता था, नाथ का श्रवण करता था, उस अव्यक्त अक्षर अक्षर ब्रह्म का जाप करता था, अमृत का पान कर, जो कुछ भी एक्सपीरियंस उसको गर्भ में हो रही थी, उसको उसको री इनिशिएट किया जाए। तो ये परंपराएं थी, और बच्चा उस उम्र से उस साधना को फिर से करता था। अलग अलग रास्ते नहीं थे। हाँ, तब हो सकते हैं अलग अलग रास्ते, अब गर्भ में भगवान ने इंडिया वालों को अलग ज्ञान दिया होगा, गर्भ में अमेरिका वालों को अलग दिया होगा, रशिया चाइना वालों को अलग दिया होगा, जापान वालों को अलग दिया होगा, जर्मनी वालों को अलग अलग ज्ञान दिया होगा, तो अलग अलग रास्ते हो गए। अगर गर्भ में आप भगवान कहिए, नेचर कहिए, कुछ भी कहिए, कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहिए, उसने जब ज्ञान दिया है अगर गर्भ में और सबको एक ही ज्ञान दिया है, तो रास्ते कितने हुए सज्जनों? कभी आप कॉमन सेंस से भी सोच सकते हैं, रास्ता एक ही हुआ। और उस रास्ते को जो दोबारा आपको जीवन में अनुभव करा दे, वह समय का महापुरुष है, इनकार्नेशन है, उसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी थोड़ी है, उसको तो भगवान से भी बड़ा बताया गया है। तभी शायद कहते हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी जिंदियों गोविंद दिखाए। बताए नहीं, एक्चुअली दिखाए है। वह अंदर में उस गोविंद का दर्शन कराता है, बच्चा गर्भ में गोविंद का दर्शन करता है। गोविंद का मतलब सज्जनों कोई मूर्ति नहीं, कोई शरीर नहीं, गोविंद का जो वास्तविक स्वरूप है, जो परा स्वरूप है, मेटाफिजिकल फॉर्म है, वह लाइट है। इसलिए हम गायत्री मंत्र में कहते हैं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, कि मैं आपके भर्गो ज्योति का ध्यान कर रहा हूँ। उसका जो मेटाफिजिकल फॉर्म है, परा स्वरूप है, वह ज्योतिमय स्वरूप है। इसलिए जब अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से, मैं आपके वास्तविक मेटाफिजिकल फॉर्म को देखना चाहता हूँ, तो कहते उस स्वरूप को तू आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुझे तीसरा नेत्र देता हूँ, माइक्रोस्कोपिक आई देता हूँ,
माइक जैसे माइक्रोस्कोप से हम सूक्ष्म वस्तु को देख सकते हैं, वह एक डिवाइन माइक्रोस्कोप है हमारे अंदर, जिसको हम थर्ड आई कहते हैं सिंपल वे में, जो सूक्ष्माति सूक्ष्म, एटम से भी सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन से भी सूक्ष्म, सूक्ष्म अति सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म संसार में कुछ भी नहीं है। और साइंस इस बात को आजकल मान गई है कि जो चीज़ जितनी ज़्यादा सूक्ष्म होगी उतनी पावरफुल होगी। तो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा सूक्ष्म है, उसको साइंस के इंस्ट्रूमेंट नहीं देख सकते। इसलिए मशीनें लगते हैं साइंस की, उनको भर्गो ज्योति व डिवाइन लाइट दिखाई नहीं देती, पर थर्ड आई के द्वारा वह लाइट दिखती है। कल्पना नहीं, फीलिंग नहीं। आप जैसे पिक्चर हॉल में पिक्चर को देखते हैं, ऐसे वह दिखती है। कब दिखती है? जब हमारी वह माइक्रोस्कोपिक आई एक्शन में आ जाती है, एक्टिव हो जाती है। तीसरा नेत्र, जिसको सिंपल भाषा में कहते हैं तीसरा नेत्र, जब खुल जाता है, उसको दिव्य नेत्र कहा गीता में। तो जब अर्जुन कहता है मैं उसको देखना चाहता हूँ, तो बोले हाँ दिव्यम ददामी ते चक्षु पश्चिम युग में श्रम, मैं तुझे दिव्य नेत्र दे रहा हूँ, तू मेरे उस मेटाफिजिकल फॉर्म को देख। गर्भ में बच्चा उस मेटाफिजिकल फॉर्म को देखता है, उसका ध्यान करता है। जब बाहर आता है तो बाहर के प्रकाश को देख के वह कन्फ्यूज हो जाता है कि अंदर की लाइट और बाहर की लाइट एक जैसी लगती है, उसको लॉजिकल ब्रेन डेवलप नहीं है, और वह धीरे धीरे अंतर्मुख हो नहीं होकर बहिर्मुख हो जाता है, और धीरे धीरे वह साधना लुप्त हो जाती है। तो मार्ग कितने हुए? मार्ग एक ही हुआ, वही मार्ग जिसको आपने, हमने, दुनिया के सब बालकों ने गर्भ में साधना की थी। इसलिए आप जिस भी गुरु के पास जाएं, जिस भी संस्था में जाएं, जहां भी जाएं, एक ही निवेदन करें कि मुझे गर्भ का ज्ञान फिर से दे दो। ये सच कह रहा हूं मैं आपको, मैं आपको कन्फ्यूजन में नहीं डाल रहा, आपको भ्रमित सजो, अपने जीवन की वास्तविकता को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप लोगों को साधना मिल गई और अगर आप निष्ठा से उस साधना को करने लग गए, जीवन में सब कुछ प्राप्त होगा, सारे प्रकार के सुख मिलेंगे। कहते हैं 7 प्रकार के सुख होते हैं, हाँ मिलेंगे तब सजनों जब आप साधना करेंगे। दवाई ले ली, खाए, घर में रख दी, खाई नहीं, बात नहीं बनेगी। पर अगर आप सीरियसली जैसा डॉक्टर ने बताया है वैसा सेवन करें, परहेज करें, तब दवाई पूरा असर करती है। तो अगर हमें गर्भ का ज्ञान मिल गया और अगर हमने उसको जैसा हमें बताया गया था, निर्देश दिया गया था, वैसी हमने साधना की और विषयों से परहेज रखा, सत्संग का श्रवण किया, सेवा दर्शन को भी कायम रखा, तो धीरे धीरे क्या होता है कि हम उसमें आरूढ़ होते चले जाते हैं, मन ऊर्ध्व गति की तरफ चला जाता है, और तब जीवन के सारे सुख, ये संसार दुख के लिए बनाया नहीं था ईश्वर ने, हम तो जबरदस्ती दुख को हमने मोल ले रखा है। तो कहते 7 सुख प्राप्त होते हैं। क्या क्या है सुख का? पहला सुख निरोगी काया, जहाँ जिसका मन स्वस्थ है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। हाँ कभी कभी वातावरण से, वायुमंडल से, या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो आ सकती है टेम्पररी, पर जनरली वो स्वस्थ रहेगा, चाहे वो 100 वर्ष तक भी जिए वो स्वस्थ रहेगा, मेंटली भी और फिजिकली। तो कब? पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, आर्थिक भी उसको परेशानियाँ नहीं रहेगी। माया का मतलब होता है फाइनेंशियली भी वो ओके रहेगा, इतना भी नहीं कि अंबानी और टाटा बन जाए, क्योंकि वो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वह लिमिट में रखेगा अपना, बनने की क्षमता हो तब भी नहीं बनेगा, क्योंकि कबीर साहब कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना हो कि अपना जीवन आराम से चले और हम अतिथि का, दूसरे का भी भला कर सकें। बाकी तो सज्जनों साथ जाता तो चलो बात भी थी, जाते समय सब यहीं का ही रह जाता है। जब सिकंदर जाने लगा और देखा कुछ नहीं मेरे हाथ से जा रहा है, तो बोला भैया जब मेरी अर्थी निकलेगी मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना, हाथ निकाल देना बाहर, और लिख देना जब संसार में सिकंदर था उसके लाखों वाली थे, जब सिकंदर दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली थे। खाली जाना पड़ेगा, शरीर नहीं जाता, कपड़ा कुछ तो नहीं जाता है,
मस्तिष्क भी यही रह जाता है, ये जो ब्रेन कंप्यूटर है ये भी यही समाप्त हो जाता है, केवल मन जाता है साथ में, मन के अंदर के संस्कार जाते हैं। मन भी क्या, मन के अंदर जो संस्कार है जिसको हम चित्त कहते हैं, वो इम्प्रेशंस वो जाते हैं और नेक्स्ट लाइफ में वो फिर इफेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब कुछ नहीं जाएगा तो माया भी उतनी का प्रयास करता है वो जो साधक होता है कि माया मेरे साधना में मेरे आध्यात्मिक मार्ग में डिस्टर्ब न करे, वो उतना ही कमाता, उससे ज़्यादा नहीं कमाता, पर उसको कमी नहीं होती। तो कहा दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख पुत्र व आज्ञाकारी, बच्चे भी उसके आज्ञा में रहने वाले होते हैं, वो नेगेटिव बिहेव करने वाले नहीं होते, सम्मान करने वाले बच्चे बनेंगे। और कहा पति पत्नी भी वह रहेंगे, लॉयल टू इच अदर रहेंगे। चौथा सुख लॉयल्टी हो गई, पति अगर है तो पत्नी उसको लॉयल मिलेगी, पत्नी अगर साधक है तो उसको पति लॉयल मिलेगा। कहता फिर पांचवा सुख जल बीच वासा, मतलब पानी बिजली ये सब की उसको प्रॉब्लम नहीं होगी। वो बहुत जमाने का कहा हुआ है, कहावत है, तो उसके अर्थ को थोड़ा बहुत हमें घुमाना पड़ेगा, पर मीनिंग ये है। और कहा छठा सुख राज में पासा, कि उसको सम्मान भी मिलेगा समाज में, प्रेस्टीज प्रेस्टीज के में रहेगा, वह लोग आदर करेंगे, उसकी बात को मानेंगे, कभी उसको कुछ काम भी करवाना हो तो कहीं उसको दिक्कत नहीं आएगी, चाहे ऑफिशियल हो चाहे शासन में कहीं भी, मतलब उसमें भी उसको फैसिलिटी कन्वीनियंस रहेगा। और कहता है सातवां सुख क्या है, मन की शांति, मन की संतुष्टि। का गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। ये जितने लोग कुछ भी कर रहे हैं, बड़े बड़े बने हुए हैं, अगर आप उनसे एक प्रश्न करेंगे क्या आपको जीवन में सेटिस्फेक्शन है, कहेंगे नहीं है। आप बिल गेट्स से पूछ लो, चाहे अंबानी किसी बड़े से बड़े धनाढ्य व्यक्ति से, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर से पूछ लो, सेटिस्फेक्शन नहीं है। पर कहा उस संतोष धन के सामने सारे धन फीके हैं, वह भी प्राप्त होता है। तो सातों सुख प्राप्त होते उस व्यक्ति को जिसने उस मार्ग को अपना लिया। पर सज्जनों, जो मैं शुरू में कह रहा था, ज्ञान योग ध्यान योग और ज्ञान योग ध्यान ऑब्लिक कर्म योग और भक्ति योग एक ही है। मीरा तब नाची जब उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसने ध्यान किया। एक्चुअली क्या होता है, अगर और गहराई में हम जाएं, जब साधना करते हैं तो ये कुंडलनी शक्ति धीरे धीरे ऊपर को उठती है, मन और कुंडलनी शक्ति एक साथ उठते हैं ऊपर को, ये दोनों अटैच्ड हैं समझिए। तो हम कुंडलनी नहीं बोल के थोड़े मन ही बोल रहे हैं कि ईजी रहेगा। तो मन हमारा जब आज्ञा चक्र को क्रॉस करता है और उसमें जब स्थित रहता है जितनी देर, आज्ञा चक्र से ऊपर जब ये मन सहस्त्र दल कमल और आज्ञा चक्र के बीच में जब स्थित रहने लगता है, सहस्त्र दल कमल तो सज्जनों बहुत ऊंची बात है, मुंह से कहना इजी है, उसमें तो बहुत मेहनत है, उसमें तो बहुत सी बातें जरूरत पड़ती है, ग्रेस भी माने रखती है वहाँ। जैसे आप पृथ्वी से चंद्रमा की उसमें चले जाओ परिधि में, वहाँ जब तक चंद्रमा का आकर्षण आपको खींचेगा नहीं तो आप चंद्रमा में नहीं पहुंच सकते, तो वहाँ चंद्रमा के आकर्षण का महत्व होता है। ऐसे सहस्त्र कमल में एनलाइटेड महापुरुष होता है, सदगुरु होते हैं सूक्ष्म रूप में, उनकी ग्रेस से ही व्यक्ति सहस्त्र दल कमल में पहुंच सकता है, आज्ञा चक्र तक तक क्रॉस कर सकता है मेहनत करके, वहाँ नहीं पहुँच सकता। तभी कहा ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मतलब उस सहस्त्र दल कमल में पहुँचना। पर जब अगर एक साधक आज्ञा चक्र क्रॉस करके उसमें स्थित रहता है, तो जब वो नीचे आता है वापस उतरता है, इतनी मस्ती आती है कि उसमें नाचने को होता है मन। मीरा भाई उस स्थिति में जब जाती थी वापस आती थी तो नाचती थी, उसको नाचने का शौक नहीं था, वो जबरदस्ती नचाता है, वो आनंद इतना ज़्यादा होता है आपके अंदर कि वो आपको नचाता है। तब मीरा नाचती थी, उसको भक्ति योग कहा। आजकल लोग ना आज्ञा चक्र क्रॉस किया है, ना वह गर्भ का ज्ञान प्राप्त हुआ है, ना ध्यान साधना की, नाचते कहते जी यही भक्ति योग है। अब सज्जनों मैं क्या बोलूं,
और कुछ दिन बाद खुद ही परेशान होते हैं, कोई डिप्रेशन में जाता है, कोई क्या जाता है, कोई क्या जाता है। ऐसा नहीं है सजना, अध्यात्म का मार्ग वो स्टेट मार्ग है, और स्टेट मार्ग को हमको समझना पड़ेगा। सिंपल आंसर है, सिंपल उसका सॉल्यूशन है, गर्भ में जो साधना की थी एग्जैक्टली, कोई माइनस प्लस नहीं उसमें, उस साधना को फिर से सीखना है और प्रैक्टिस करना है, और वह साधना आपको मुक्ति के द्वार तक मोक्ष प्राप्त करा देगी। एक ही रास्ता है, दो चार पांच रास्ते एक्चुअली नहीं है, देयर इज ओनली वन स्टेट पाथ। तो सज्जनों समय हो गया, और कल प्रोग्राम होगा कि नहीं मैं कुछ नहीं कह सकता, दाई विल क्या है, क्योंकि कल से मेरा टूरिंग लाइफ स्टार्ट हो सकता है, तो होगा तो हम इसी टाइम पे मिलेंगे, नहीं हुआ तो जिस दिन प्रभु इच्छा होगी उस दिन हम मिलेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद।